दोस्तों, हर इंसान के लिए किसी भी रिश्ते को भुला देना इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वो रिश्ता भावनाओं से जुड़ा हो, और उससे भी खास तब जब वो रिश्ता प्यार का हो, चाहत का हो। दोस्तों, जब भी हम किसी अपनों से अलग होते हैं तो उस दर्द को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम उन्हें भुलाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी यादें पीछा ही नहीं छोड़ती। ऐसे में हम उन्हें जितना भूलने की कोशिश करेंगे वो हमें उतना ही ज्यादा याद आएंगे, क्योंकि अंदर से हम इतना टूट जाते हैं कि अल्कोहल जैसी चीजों का शिकार हो जाते हैं, और हम अपने आप को इस कदर हट करते हैं जिससे सामने वाले को लगता है ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना यार, मुझे पता है आपको बहुत दर्द हुआ है, क्योंकि धोखे का दर्द बहुत भयानक होता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि यदि कोई आपको धोखा दे तो उसे अपने दिल और दिमाग से बाहर कैसे निकालें। दोस्तों, पहली चीज आपको हमेशा याद रखना है, जो धोखे के बाद अक्सर व्यक्ति गलती करता है कि उस इंसान को भूलने की कोशिश करता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप उस इंसान को याद कर करके कभी उसे भुला नहीं सकते। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पीने के बाद आप उन्हें भुला सकते हो, लेकिन पीने के बाद व्यक्ति उनको कभी नहीं भुला सकता, उल्टा उनको फोन करता है जिन पर अपनी भड़ास निकालनी हो। आप उन्हें भूलने की जगह अपने आप को दूसरे कामों में व्यस्त कर लें, अपने परिवार के साथ समय गुजारें, या कुछ बनने की चाहत पैदा कर लें। बहुत से लोग खुद को अकेले में कैद कर लेते हैं, पूरी तरीके से देवदास बन जाते हैं, जो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, जबकि उनको अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि जब आप अकेले रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, उन्हीं चीज़ों को बार बार याद करेंगे। कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि शायद उसमें ही कमी या उसकी किस्मत खराब है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि सामने वाले व्यक्ति की किस्मत खराब है, क्योंकि उसे आप नहीं मिले। धोखे के बाद कई बार लोग अपने मन में बदले की भावना लाते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जब किसी इंसान को प्यार होता है तो उसे लगता है कि उसे पूरी दुनिया मिल गई है, और जब उस इंसान को धोखा मिलता है तो उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है, और इसीलिए वो व्यक्ति सामने वाले इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। इसलिए आपको ये बात स्वीकार करना है कि अब वो आपके साथ नहीं है, आप भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, अगर आपको शौक है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का, तो आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जिस दिन आप अपने पैरों पर खड़े हो गए ना, उस दिन आपको समझ आएगा कि ये सब चीजें फालतू की चीजें होती हैं। जीवन में किसी के लिए अपने आंसू मत बहाइए, क्योंकि वो लोग आपके आंसू के काबिल ही नहीं है, क्योंकि जो आपके आंसू के काबिल होंगे वो आपको कभी आंसू नहीं बहाने देंगे।